हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये काफी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आइए हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एस्टरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डाटा टू मैनेजमेंट फॉर मेजरिंग इफिशियंसी एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। The aims is to know the method by which expenditure on material, wages and overhead is recorded, classified and allocated so that the cost of products and services may be accurately ascertained. This cost may be related to sales and profitability may be determined. Yet, with the development of business and industry, its objectives are changing day to day. Following are the main objective of cost accounting. ये सारे ऑब्जेक्टिव है। देखो, ऑब्जेक्टिव इजीली है। किसी भी कंपनी के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को डिसाइड करना। इसके अलावा और भी चीजें हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। किसी भी कंपनी जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है तो इस सारी ऑब्जेक्टिव के साथ इम्प्लीमेंट करता है कि वो सारी चीजें जो मैनेजमेंट को चाहिए वो सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग उसको प्रोवाइड करके दे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, टू अर्सरटेन द कॉस्ट पर यूनिट। मैंने आपको पहले बताया कॉस्ट हम अर्सरटेन करना चाहते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज अगर आपने प्राइस नहीं अर्सरटेन कर पाया तो या तो आप ओवर प्राइस कोट कर सकते हो या फिर आप अंडर प्राइस कोट कर सकते हो। अगर आपने ओवर कर दिया तो आपको प्रॉफिट वाले सिनेरियो, लेकिन अगर आपने अंडर प्राइस कोट कर दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। To provide correct analysis of cost of the both process or operation of different element of cost. क्योंकि process मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी कंपनी होती है जो process costing use करती है। जैसे कि हो सकता है हमारी कंपनी में एक रॉ मटेरियल है, वो तीन प्रोसेस से बन के और तब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता हो। तो हमें प्रोसेस बाई कॉस्ट भी फाइंड आउट करते हैं हम कि एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट, फिर ये क्या होगा, ये दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, इसका फिनिश गुड्स इसका रॉ मटेरियल, इसका फिनिश गुड्स इसका रॉ मटेरियल। तो हम ये हो सकता है ना कि यहाँ पे जब आप इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, तो वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है। जब इंटर डिपार्टमेंट या एक सिस्टर कंसर्न दूसरे सिस्टर कंसर्न को रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स ट्रांसफर करती है तो वहाँ पे कॉस्ट डिसाइड होता है, वहाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं। टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ वेस्टेज। देखो, आपको वेस्टेज भी मालूम करना है, वेदर ऑफ मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेज और इन द यूजेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड टूल्स एंड टू प्रिपेयर सच रिपोर्ट विच मे बी नेसेसरी टू कंट्रोल सच वेस्टेज। हम बताएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करके वेस्टेज को कैलकुलेट करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वेस्टेज कितना हो रहा है हमारा। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डाटा एंड सर्व एज ए गाइड टू प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और सर्विसेज रेंडर्ड। To ascertain the profitability of each of the products and advise management as how to this profit can be maximized. आप किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ से पता। तो हम प्रॉफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो चीजें हम मालूम करेंगे। To exercise effective tools of stock of raw material, WIP, consumables, store and finished goods to order minimize the capital loss as देखो मैंने आपको बताया था, एक हम जब हम आप इंटर में आओगे तो आपको मेटेरियल कॉस्टिंग पढ़नी है। तो हम कितना रॉ मटेरियल परचेज करें वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। वहाँ पे एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप पढ़ोगे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, वेरियस लेवल ऑफ स्टॉक्स है जिससे आप फिक्स करके आप अपने पैसे की ब्लॉकेज को आप कम कर सकते हो। सपोज अगर मान लो आपकी कंपनी में 10,000 रुपए की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने 20,000 रुपए के रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट तो 10,000 की थी और 20,000 में आपका 10,000 रुपया ब्लॉक हो गया। उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आ सकता था, आप उसका कहीं और यूज कर सकते थे, वो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो सारी चीजें वहां पे आप पढ़ोगे किस तरीके से हम अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। टू रिवेल सोर्स ऑफ इकोनॉमी बाई इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल फॉर मेटेरियल लेबर एंड ऑवरहेड। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ सब कुछ वेरिएंस एनालिसिस हम करके और हम आइडेंटिफाई करेंगे आखिर ये खर्चे में ज़्यादा क्यों हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट करना है एंड देन उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसी एंड प्रपोज्ड कैपिटल प्रोजेक्ट्स।
हो सकता है मैनेजमेंट फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहे। सपोज अभी मेरे पास एक प्लांट है, मैं नेक्स्ट प्लांट और मैं लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑर्डर्स ज़्यादा आने वाले हैं। तो इन डेट के हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में। टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। टू हेल्प इन द प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो कोई नेक्स्ट जब आप आने वाले वीडियोज में देखोगे वहाँ पे मैंने बजट्स के बारे में बताया। बजट्स में क्या करते हैं हम डाटा प्रिपेयर करते हैं, हम एक फ्यूचर टारगेट होता है कि हमें नेक्स्ट ईयर में कितना सेल करना है, उसके बेसिस पे बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं एंड देन हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमारा ये अचीवमेंट होना चाहिए, इस तरीके से हमें करना चाहिए और फिर उस तरीके से हम अपने टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें बजट बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके रिपोर्ट्स लेना, ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। टू ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सो दैट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में गेट ए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। देखो एक MIS होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ये भी पार्ट है कि आप मैनेजमेंट को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जिससे डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प हो। आप राइट इन्फॉर्मेशन कब आप प्रोवाइड कर सकते हो, जब आपने एक्चुअल में सारी चीज़ें सही से कैलकुलेट किया होगा, आपके पास एक्चुअल में कॉस्ट के डाटा होंगे, आपके पास सारे जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कॉस्ट को बाइफर्केट किया होगा, ब्रेकअप्स किए होंगे एंड कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई किए होंगे, तो आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। टू गाइड मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस प्लान बोनस एंड प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग। मैनेजमेंट को हम बोनस सिस्टम भी कंपनी इंप्लीमेंट करती है, वहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व है कि हम बोनस सिस्टम हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको कॉस्ट कम हो जाएगी। आप सपोज आप पहले 10,000 क्वांटिटी बनाते थे, अब आपने 20,000 आपने क्वांटिटी बनाना शुरू कर दिया और इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपको कॉस्ट कितना बढ़ाना पड़ा, मान लो 10,000 रुपये का आपका कॉस्ट बढ़ा, यानी आपका बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ना, सेम चीज़ ये होता है। कंपनी क्या करती है, बोनस सिस्टम लेके आती है, वर्कर को बोलती है तू एक दिन में 10 यूनिट बनाता है ना, अगर तूने 15 यूनिट बनाया तो हम तुम्हें इतना परसेंट बोनस देंगे। अब उस बोनस के लालच में वर्कर लेबर और ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है एंड जिससे कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। टू सप्लाई यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर एंड बाय द मशीन। टू हेल्प इन सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ पंच्ड कार्ड अकाउंटिंग और डाटा प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर्स। ये पंच कार्ड होता है ना, जैसे जब एम्प्लॉय आया, लेबर आया, तो उसके टाइम मशीन्स लगी होती है, कब आया कब जा रहा है, उसके बेसिस उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जैसे मान लो अब एक कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक इस तरीके से हम सिस्टम बनाए कि जो इस बंदे ने काम किया है वो काम दूसरा बंदा चेक कर ले और फिर इसका काम तीसरा बंदा चेक कर ले, जिससे क्या होगा कि मिस्टेक्स कम होगी और जो मिस्टेक्स हुई वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये सिस्टम को डेवलप किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट सिस्टम। टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, हम किस तरीके से अपनी कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें बताएंगे समझाएंगे कि आप अपने डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें करोगे तो हमारी कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे हो सकता है ना आपके डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग के ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहा हो, तो हम आपको बताएंगे कि आप प्रिंटिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज करो, आपके यहाँ प्रिंटिंग ज़्यादा हो रहा है, आप किस तरीके से आप कम कर सकते हो। हो सकता है आपके यहाँ लाइटिंग के एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रही हो, आपके यहाँ हो सकता है अननेसेसरी फैंस लाइट्स ऑन रहती हो, वो सारी चीज़ें हम उन्हें बता के समझा के हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड। कॉस्ट ऑडिट की सर्विस, कॉस्ट ऑडिट में होता क्या है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप बनाओगे उसकी ऑडिट होगी। ऑडिट में क्या होता है, चेकिंग किया जाता है कि आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाया वो सही तरीके से बनाया कि नहीं, उसमें कुछ गलतियां हैं यानी उसके फ्रॉड्स कुछ अगर हो रखे हैं तो सब कुछ डिटेक्ट होता है। वो हर एक कंपनी पे नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंपनी है उन्हीं को कॉस्ट ऑडिट करवानी होती है। टू फाइंड आउट द कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस बाय आइडेंटिफाइंग विद रेवेन्यू। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को आप आइडेंटिफाई करोगे by identifying with the revenue of the cost of those products or service by selling with the revenue has resulted। So ye sab kuch objective of cost accounting tha, hope so aapko sab kuch samajh mein aaya ho। Next video mein milte hain kuch next concept ke sath। Ab yahan pe ek cheez hai, broadly speaking ye isi cheez ko inhone further teen department
तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जस्ट आप इसको रीड कर लेना, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है बताने के लिए। बाय, टेक केयर।